तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्टर के वायरल वीडियो के बारे में जो कि लोगों को काफी ज्यादा वियर्ड एंड ऑकवर्ड लगा। जी हां गाइस, शायद आप लोग बाबिल खान को जानते होंगे हु इज द सन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर इरफान खान। रिसेंटली एक इवेंट से इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, पहले आप क्लिप देख लो उसके बाद में आगे लोगों का रिएक्शन दिखाऊंगा। जैसा कि आप इस वीडियो में आपने देखा कि बाबिल खान पोज कर रहे थे पैप्स के लिए, तो अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि उनके पीछे एक वुमेन ऑलरेडी खड़ी हुई थी। तो जैसे वो रियलाइज किया उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, तो वो उनको सॉरी लगातार बोलने लगे। अब इनिशियली जब ये वीडियो रिलीज हुआ था तब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये कितना जेंटलमैन टाइप वाइब्स दे रहे हैं, वो जिस तरीके से बार बार सॉरी बोल रहे हैं इट्स सो रिस्पेक्टफुल टू द पर्सन एंड भाई कि वो कितने डाउन टू अर्थ है। बट देन काफी सारे लोगों को ये थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगने लगा कि वो ज्यादा ओवर कर दिए थे। कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, इवन द लेडी वॉज ये पागल तो नहीं है। एक और यूजर ने लिखा 50 नहीं 60 कट करो इसके ओवर एक्टिंग के लिए। ये वाला ट्वीट भी वायरल जा रहा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पोलाइट एंड एक्टिंग लाइक अ मीठा। बट देन अगेन कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं ये बोलते हुए कि जो लोग बोल रहे हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रहे हैं वो लोग रियलाइज नहीं करते हैं कि कुछ लोग सही में ऐसे होते हैं जो कि ओवरली एक्सप्रेसिव होते हैं एंड ओवरली अपोलोजेटिक होते हैं। आई नो हम लोग की सोसाइटी में ऐसा ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं, इसलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या विराट कोहली को ये करने की वजह से फाइन लगना चाहिए? वेल गाइस, कल बैंगलोर और पंजाब का मैच था एंड आरसीबी ने पंजाब को डोमिनेट करके ये मैच को जीत लिया बाय 60 रन्स। बट जब पंजाब किंग्स चेस कर रहे थे तो उनके एक बैटर है राइली रूसो, वो अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट करके ऐसे सेलिब्रेट किए थे, ये उनका सिग्नेचर बजूका सेलिब्रेशन है। बट जैसे ही राइली रूसो का विकेट गिरा था तब विराट कोहली की तरफ से ऐसे साइंस आए थे एंड आप इससे समझ ही सकते हो कि वो उनके तरफ थोड़ा सा टारगेट करते हुए किए थे। तो जैसे ही लोगों ने ये देखा वो पॉइंट आउट करके बोलने लगे कि उनको भी इस चीज के लिए फाइन होना चाहिए, क्योंकि केकेआर के बॉलर हर्षित राणा को फ्लाइंग किस के लिए फाइन लगाया गया था, तो ये तो डायरेक्टली टारगेट करते हुए कर रहे हैं, तो इनको भी फाइन लगना चाहिए। बट देन अगेन आफ्टर द मैच विराट कोहली एंड राइली रूसो के बीच में एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हो वो लोग हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन देम। बाय द वे टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, तो वो अपने सारे क्रिटिक्स को पूरा साइलेंट कर दिए एंड वो स्ट्राइक रेट कॉन्ट्रोवर्सी पर भी रिएक्ट किए। जहां गाइस कल वाले मैच में उन्होंने एक ब्रिलियंट नॉक खेला था जहां पर वो 92 रन बनाए थे इन ओनली 47 बॉल्स, भयंकर स्ट्राइक रेट से खेले वो। एंड रिसेंट टाइम्स में उनके कम स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में भी बताया हुआ है। तो जैसे ही वो अपना ये इनिंग्स कंप्लीट किए थे उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया था, आई वाज फोकस्ड ऑन कीपिंग माय स्ट्राइक रेट हाई थ्रू आउट द इनिंग्स एंड वो स्माइल किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केएल राहुल के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो केएल राहुल एंड उनके ओनर संजीव गोयनका के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ बड़ा अपडेट्स आया है। जी हां गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था। बेसिकली एलएसजी काफी खराब तरीके से मैच हारे थे एंड एलएसजी के ओनर उनके कैप्टन केएल राहुल को पब्लिकली डांटे थे एंड लोगों को ये देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बट इसके बाद केएल राहुल से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जो आईपीएल ऑक्शन होने वाला है उसमें केएल राहुल अवेलेबल रहेंगे। दैट मींस कि एलएसजी उनको अपने टीम में रिटेन नहीं करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर का छोड़ो, बताया जा रहा है कि जो रिमेनिंग 2 गेम्स बाकी है एलएसजी का उसमें भी केएल राहुल कैप्टन नहीं रहेंगे टीम के। भाई इतना ज्यादा सीरियस हो गया ये चीज। बट यार लेट मी टेल यू कि ये खाली रिपोर्ट्स है। बाकी इस सिचुएशन के ऊपर लक्ष्य चौधरी भी अपना थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन शेयर करते हुए ट्वीट किए, करोड़ों रुपए देने के बाद बॉस अपने एम्प्लॉय को खराब परफॉर्म करने पर धमकाएगा ही, गोद में नहीं खिलाएगा। तुम 500 रुपए देकर दिहाड़ी मजदूर के बीड़ी ब्रेक लेने पर भी माँ बहन की गाली देते हो, उसने तो 17 करोड़ दे रखे हैं। घटिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी वॉज रॉन्ग अबाउट दिस? वेल 3 दिन पहले ध्रुव राठी अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, औरंगजेब वर्सेस शिवाजी महाराज, हाउ इंडियाज ट्रू हिस्ट्री वॉज हिडन फ्रॉम यू। एंड टाइटल से ही आप लोग समझ सकते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अराउंड ये टॉपिक था। वेल आफ्टर दिस वीडियो केम आउट, एक एडुकेटर है आशीष भरतवंशी विद ओवर 770 के सब्सक्राइबर्स जो कि ये टॉपिक में स्पेशलाइज करते हैं, उन्होंने ध्रुव राठी के खिलाफ 2 वीडियोस बनाए। दोनों ही वीडियोस अराउंड 30 मिनट्स के एंड दोनों ही वीडियोस में उन्होंने बताया कि कैसे ध्रुव राठी अपने वीडियो में गलत चीजें बताए। ऑफ कोर्स ये काफी लंबा वीडियो है तो मैं यहाँ क्लिप नहीं प्ले कर सकता हूँ, आप उनका वीडियो जाकर देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो
चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर कंट्रोवर्सी के बारे में विच वेंट टू फार। यहां गाइस दो राइवल यूट्यूबर्स के बीच में इतना सीरियस फाइट हो गया जिसके वजह से वन यूट्यूबर लॉस्ट हिज लाइफ। कोरिया से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि दो यूट्यूबर्स के बीच में काफी टाइम से कॉन्ट्रोवर्सी चलते हुए आ रहा था। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में लीगल बैटल भी चल रहा था कोर्ट में। बट कल जो विक्टिम यूट्यूबर है जब अपने चैनल में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे तो अचानक से पीछे से आकर वो राइवल यूट्यूबर उनको नाइफ से स्टैब करके भाग गए। इसके वजह से उनको बहुत ही सीरियस इंजरीज आए एंड वो सर्वाइव नहीं कर पाए। नाउ ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम में कैप्चर हुआ था एंड पुलिस विद इन 2 आवर्स वो अक्यूज्ड को जाकर पकड़ लिए। ही हैज बीन अरेस्टेड एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या कुछ बड़े कंपनीज फ्लाइंग बीस्ट के स्टार्टअप के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? इसके बारे में बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट अपने व्लॉग में ये कहे, हमारा क्या है देखो, हम लोग काफी टाइम से बीस इंडस्ट्री में है तो दोस्ती यारी बन जाती है लोगों से, एजेंसी से जो लोग काम करते हैं। न्यूज आई मेरे पास कि जब आप अमेजोन पे लाइव जाएंगे, किसी ने हमको कहा कि इनके 100 डब्बे खरीद लेना अमेजोन से और हर डब्बे पे एक नेगेटिव रिव्यू पढ़वा लेना। तो ऐसी न्यूज है और ये होता है। आप किसी भी स्टार्टअप ओनर से अगर ये पूछेंगे कि भाई ये कैसा होता है, ऐसा होता है भाई, जो बिग जायंट्स होते हैं वो थोड़ा किल करने की कोशिश करते हैं और ऐसा होगा भी, तो सह लेंगे भाई, भगवान है, आप लोग साथ देना। टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स वर्सेस कंपनीज, तो क्या एक यूट्यूबर की वीडियो के वजह से एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपना इंग्रेडिएंट्स चेंज करना पड़ा? वेल लेस चिप्स को तो आप लोग जानते होंगे, एक यूट्यूबर है फूड फार्मर विद ओवर 500K सब्सक्राइबर्स। वो लेस चिप्स के खिलाफ कपल ऑफ वीडियोस पोस्ट किए थे जहां पर उन्होंने बताया था पॉइंट आउट करके कि लेस चिप्स जो इंडिया में बनाया जाता है उसमें पाम ऑयल यूज होता है, बट वही लेस चिप्स जब यूएसए में बनाया जाता है तो उसमें पाम ऑयल नहीं होता है। वेल आफ्टर दिस वीडियो एक महीना के अंदर लेस चिप्स की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आया आप खुद सुन लो। इतने सालों तक लेज भारत में पाम ऑयल यूज करते थे लेकिन यूएस में पाम ऑयल यूज नहीं करते थे और इसके बारे में मैं 7 महीने और 1 महीने पहले भी वीडियो बनाया था। अब फाइनली पेप्सी जो लेज को ओन करती है अनाउंस किया कि वो भारत में भी पाम ऑयल कम यूज करेंगे और उसके बदले सनफ्लावर ऑयल यूज करेंगे। ये सेम न्यूज आर्टिकल में हमारा वीडियो भी मेंशन किया गया है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि लेज के पाम ऑयल कम करने से बाकी सब कंपनीज को भी प्रेशर होगा पाम ऑयल कम करने का और ये एक चेन रिएक्शन बन सकता है। एक आदमी के लेबल पढ़ने से इतने सारे कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट इंप्रूव किया। इमेजिन करिए अगर लाखों करोड़ों भारतीय लेबल पढ़ने लग जाए तो हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं UK07 राइडर वर्सेस जट प्रभजोत के बारे में। तो क्या जट प्रभजोत एंड उनके फ्रेंड UK07 राइडर को एक्सपोज कर दिए हैं? वेल गाइस हुआ क्या कि UK07 राइडर 2 दिन पहले अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए थे जहां पर वो इनडायरेक्टली जट प्रभजोत के बारे में बात करते हुए बोले थे कि जट प्रभजोत उनको काफी ज्यादा पोक कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में एंड उनको ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि कैसे वो जट प्रभजोत को लुकअप करते थे जब वो अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट किए थे एंड आज वो उनको ऐसे पोक कर रहे हैं। प्लस उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि जट प्रभजोत जब हॉस्पिटल में थे तब उनका बिल्स भी वो पे किए थे, उनका हेल्प किए थे। वेल उनको फिर रिस्पोंड करते हुए जट प्रभजोत अपने व्लॉग में बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी उनका हॉस्पिटल का बिल पेमेंट्स नहीं किया था, ये टोटली फॉल्स है। बट ऊपर से उन्होंने UK07 राइडर के अगेंस्ट कुछ और एलिगेशंस लगाए, आप खुद सुन लो। सपोज कोई मेरे पास ब्रांड आया, मार्केट में कोई भी एजेंसी है, एजेंसी हमें काम दिलाती है ना, तो जैसे उस ब्रांड का हम ले रहे 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% जो होता ना वो उस एजेंसी को जाता है। नहीं, एजेंसी बोल के है, एजेंसी कोई भी एजेंसी, कोई एजेंसी 20% लेता है, कोई 10%। हाँ, बिल्कुल। एक टाइम था जब समीरन ना किसी एजेंसी के साथ काम करता था, वो समीरन ने उस बंदे को काम दिलाया था, काम बम हो गया, सारा पेमेंट चला गया, सब 10% देने की बारी आई। हाँ, मेन चीज। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके अपने पास व्हाट्सएप में मतलब हर चीज के सारे प्रूफ है। निखिल को अपना गुरु मानता हूँ, इसको मानता हूँ, उसको मानता हूँ। भाई जिसको हम गुरु मानते हैं ना उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। भाई तुम्हारे आज सब्सक्राइबर आज फॉलोअर उन लोगों से ज्यादा हो गए, मेरे से ज्यादा हो गए, तो तुमने अपने जो भी गुरु हैं उनको अनफॉलो कर दिया ना। निखिल को फॉलो करता है ना, जेएस को फॉलो करता है ना, मेरे को करता है ना, किसी को करता है, ये एक ईगो होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो ज्ञान गेमिंग के एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे फ्री फायर यूट्यूबर्स जाकर उनसे मिले। जहां गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्ञान गेमिंग का बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया है जिसके वजह से ही लॉस्ट हिज राइट लेग। वेल आफ्टर दैट कुछ यूट्यूबर्स जो उनसे जाकर हॉस्पिटल में मिले उन्होंने पॉइंट आउट करके बताया कि उनके खुद के फ्री फायर कम्युनिटी के फ्रेंड्स उनसे मिलने नहीं आ रहे, इतना तक नहीं कर सकते हैं क्या कम्युनिटी वाले। वेल आफ्टर दैट बहुत सारे फ्री फायर यूट्यूबर्स जैसे कि देसी गेमर्स, टोटल गेमिंग, श्रेव आईटी, रोमियो गेमर एंड मेनी अदर्स जाकर उनसे हॉस्पिटल में मिले एंड ज्ञान गेमिंग काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विक्रांत मासे के बारे में। तो एक्टर विक्रांत मासे का ये लफड़ा वाला वीडियो वायरल जा रहा है। जी हां गाइस, पहले आप उनका ये वाला क्लिप देख लो। लेकिन जब निकले थे 450 बता रहा था आप पे, मतलब आप नहीं देंगे? क्यों देंगे भाई, और चिल्ला क्यों रहा है? मेरा नाम आशीष है, मैं कैब ड्राइवर हूँ
मैंने अपने पैसेंजर को उनके लोकेशन पर पहुंचा दिया है और वो मेरे से पैसे नहीं दे रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं, उल्टा गाली गलौज भी कर रहे हैं। आप गलौज कर रहे हैं? अब बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? कैमरा क्यों निकाल दिया भाई? कैमरा क्यों निकाल लिया? क्या धमका रहे हो तुम? जायज बात ही तो कर रहा हूँ ना मैं, ये अचानक से पैसे कैसे बढ़ गए? ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम्हारी गलती है, ऐप वालों की गलती है, उनकी मनमानी है, मेरी थोड़ी ना चलती है सर इसमें। साहब वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ आपकी गलती है, आप ही कह रहे हैं ना ऐप वालों की मनमानी है। मनमानी कहाँ चलेगी, ये गलत बात है कि नहीं है? सर आप इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा होगा आपके पास, आप फिर भी बहस कर रहे हैं सर? क्या सर, पैसा हो नहीं हो, मेरा हो आपका हो किसी का भी हो, मेहनत का है ना, और आप खुद कह रहे हैं कि ऐप वालों की मनमानी है, ये नहीं चलना चाहिए और ये नहीं चलेगा। अब क्लिप देखकर काफी सारे लोगों को ये सस्पिशन स्टार्ट हो ही गया होगा कि ये प्रमोशन टाइप का लग रहा है, काफी फेक लग रहा है। इंडिया इस पोस्ट के नीचे भी मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे ही है, न्यू ऐप प्रमोशन। फिर एक पर्सन ने लिखा स्क्रिप्ट अच्छी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले बॉर्डर 2 मूवी के बारे में। जहां गाइस बताया जा रहा है कि सनी देओल का बॉर्डर 2 मूवी लॉक हो गया एंड इसका रिलीज डेट से रिलेटेड भी बड़ा रिपोर्ट आया है। बताया जा रहा है कि बॉर्डर 2 मूवी में स्टार करेंगे ऑफ कोर्स सनी देओल एंड उनके साथ आयुष्मान खुराना भी रहेंगे एंड इसका पोटेंशियल रिलीज डेट हो सकता है January 23rd, 2026, जो कि एक रिपब्लिक डे रिलीज होगा। तो गाइस इफ यू डोंट नो, तो बॉर्डर मूवी वाज अ ह्यूज हिट, 1997 में इसका पार्ट 1 आया था एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आफ्टर ऑलमोस्ट 30 इयर्स इसका पार्ट 2 आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एप्पल के बारे में। तो एप्पल कंपनी की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसको देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए एंड उनको फिर सॉरी भी बोलना पड़ा। जहां गाइस कपल ऑफ डेज अगो एप्पल की तरफ से एक नया एडवर्टाइजमेंट आया था जहां पर वो अपने न्यू आईपैड प्रो को प्रमोट कर रहे थे एंड इस एडवर्टाइजमेंट में बेसिकली एक हाइड्रोलिक प्रेस था जहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था एंड उनमें से कुछ क्रिएटिव टूल्स भी थे जैसे कि कैमरास, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एंड लोगों को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि क्रिएटिव टूल्स को ऐसे किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, इट इज अ हार्ट ब्रेकिंग, अनकंफर्टेबल एंड ईगोटिस्टिक एडवर्टाइजमेंट। जब मैं ये देखता हूँ तो आई फील अशेम टू हैव बॉट एप्पल प्रोडक्ट सिंस 19 इयर्स। फिर एक और यूजर ने लिखा, यू डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रिएटिव टूल्स एंड एफर्ट ऑफ ह्यूमंस, वर्स्ट कमर्शियल एवर। इंडिया गाइस इतना ज्यादा उनको बैकलैश मिला कि एप्पल के तरफ से एक स्टेटमेंट आया जहां पर वो अपोलोजाइज किए। बेसिकली एप्पल के जो वीपी है ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया, पॉज करके रीड कर सकते हो, बट बेसिकली उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी एप्पल का डीएनए में है एंड दे क्लियरली मिस द मार्क विद दिस वीडियो एंड इस चीज के लिए वी आर वेरी सॉरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक एलकेजी स्टूडेंट वर्सेस एक लिकर शॉप के स्टोरी के बारे में। जहां गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक 5 साल का लड़का जो कि एक एलकेजी स्टूडेंट है, वो अपने फैमिली के मदद से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था जहां पर बेसिकली वाज डिमांडिंग कि उनके स्कूल के सामने जो लिकर शॉप है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि लोग वहां से लिकर खरीद के उसको कंज्यूम करके बहुत ज्यादा रकस क्रिएट कर रहे। वेल गेस व्हाट, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया कि वो लिकर शॉप का लाइसेंस को अब रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राजस्थान रॉयल्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन सनराइजर्स आईपीएल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली रिशो डिग्रा व्लॉग्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं काई सेनेट के बारे में। तो स्ट्रीमर काई सेनेट को इस चीज की वजह से सॉरी बोलना पड़ा एंड काफी भारी फाइन भी भरना पड़ा। बेसिकली हुआ क्या कि लास्ट ईयर वो अपने फैंस के सामने अनाउंस कर दिए थे कि वो न्यूयॉर्क सिटी में एक पर्टिकुलर जगह में आकर PS5s का गिव अवे करेंगे एंड ऑफ कोर्स इतने इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर है वो, तो थाउजेंड्स ऑफ लोग वो लोकेशन में आ गए एंड पूरा पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो गया, पूरा रायट लाइक सिचुएशन हो गया जिसके वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोगों को दिक्कत हुआ। ऑफ कोर्स इस चीज के वजह से उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया जिसके बाद काई सेनेट को पब्लिकली ये अपोलॉजी लेटर पोस्ट करना पड़ा। आप पॉज करके रीड कर सकते हो, बट या बेसिकली उन्होंने सॉरी बोला कि उनको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी एंड नॉट ओनली दिस, उनको $55,000 का फाइन भी भरना पड़ा। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।